गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे आई विल टीच अबाउट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग यूनिट यूनिट फिफ्थ, इन्फेक्शन एंड कंट्रोल. देन फर्स्टली हम उसमें डील करेंगे इन्फेक्शन. इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन क्या होता है? जब भी कोई बैक्टीरिया और वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है देन इसका डेवलपमेंट होता है. डेवलपमेंट होने के बाद जब सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या करता है, इस कॉल्ड इन्फेक्शन एक डिसीज का फॉर्म ले लेता है. इस कॉल्ड क्या, इस कॉल्ड इन्फेक्शन क्या कहलाता है, इन्फेक्शन कहलाता है. देन नेक्स्ट क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल. इन्फेक्शन कंट्रोल एक सीरीज स्टेप्स की एक सीरीज है. जैसे कि हम लोग जो भी इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, तो उसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है. और क्या करना है, इसमें हेल्थ जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर और क्लाइंट्स के बीच जो भी इन्फेक्शन की प्रोसेस होती है उसको भी हमें कंट्रोल करना है, देन प्रिवेंट करना है. क्या कहला गया, इन्फेक्शन कंट्रोल. नेक्स्ट क्या है, नोजोकोमल इन्फेक्शन. नोजोकोमल इन्फेक्शन क्या होता है? नोजोकोमल इन्फेक्शन को हम लोग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं. अ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड नोजोकोमल इन्फेक्शन. नोजोकोमल इन्फेक्शन को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं. इन्फेक्शन कंट्रोल इज बेस्ड ऑन, इन्फेक्शन कंट्रोल किस किस पे बेस्ड होता है? तो फर्स्टली बेस्ड होता है हमारे स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, देन सेकेंड एडिशनल प्रिकॉशन. तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड प्रिकॉशन. स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या क्या होते हैं इन्फेक्शन स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, जैसे कि हम लोग यूज टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज. जो भी डिसीज ट्रांसमिशन हो रहा है बाय विद ब्लड बॉडी फ्लूइड नॉन इन्फेक्ट डिसीज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू जो भी डिसीज कॉज हो रही है उसमें हम क्या क्या स्टेप्स यूज़ करेंगे कि ये डिसीजेस ना होने पाएँ. तो कौन कौन से स्टेप यूज़ करेंगे, हैंड वॉशिंग. हम प्रॉपर किसी भी पेशेंट की केयर करने के बाद, दूसरे पेशेंट की केयर करने से पहले और अब बाद, हम दोनों प्रॉपर हैंड वॉशिंग यूज़ करेंगे. प्रॉपर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं. एंड नेक्स्ट है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. जो भी पेशेंट के इक्विपमेंट होते हैं वो हम दूसरे पेशेंट में यूज़ नहीं करते हैं, पर्सनली उसके होने चाहिए. नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन. जो भी आर्टिकल्स इक्विपमेंट जो भी हम लेना जो भी यूज़ करते हैं वो प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए. नेक्स्ट है वेस्ट मैथड, वेस्ट डिस्पोजल मैथड प्रॉपर होनी चाहिए. नेक्स्ट क्या है हमारा एडिशनल प्रिकॉशन स्पेशलाइज हमारा क्लॉथिंग पे बेस्ड होता है. क्लॉथिंग जो भी हम लोग हॉस्पिटल में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो भी हैं वो यूज़ करते हैं, स्टाफ मेंबर जो यूज़ करते हैं क्लॉथिंग कौन, जैसे कि हमारा मास्क है, ग्लव्स है, और मास्क, ग्लव्स, गाउन, आई वियर, आई प्रोटेक्टिव वियर, ये सब हमारे क्या होना चाहिए, स्टरलाइज होने चाहिए. थैंक यू.